हम और आप दिगंबर जैन आचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में असार्व धातु उत्तरार्ध भाग का यह प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है और इस असार्व धातु प्रकरण में अद्यतनी का प्रयोग हमारे मध्य में है। उस अद्यतनी के प्रयोग में सामान्यतया हम और आप सिच प्रत्यय करते हैं, सिजद्यतन्याम उस सूत्र से सिच प्रत्यय की हम प्राप्ति करते हैं, परंतु यहां पर कुछ धातुओं के साथ अब हमारे बीच में चण विकरण करने जा रहे हैं। पूर्व में भी हमने सिच प्रत्यय के अपवाद में सण प्रत्यय किया था, पुसादी दितादि लकारानुबंधादि सूत्र के माध्यम से अण प्रत्यय किया था। अब हम इन संज्ञक यानी कि कारित संज्ञक धातुओं को और श्री द्रु श्रु और कमी इन धातुओं के अंतर्गत यहां पर चण विकरण कर रहे हैं और चण विकरण में से आ ही शेष रहेगा, बाकी सबका अभाव हो जाएगा और बाकी सबका अभाव हो जाने पर यहां पर चण में से ना का अनुबंध हुआ है तो ना के अनुबंध होने पर ना नकारानुबंध चक्रिय तयो, और जब ना नकारानुबंध चक्रिय तयो से गुण का निषेध करेंगे तो यहाँ पर स्वरादा विवर्णो वर्णांत से धातु री उवौ, क्योंकि ये वर्णांत धातु है श्री, उस श्री धातु को ये आदेश हो जाएगा। तो क्रम से अपक्रिया हमारी प्रारंभ होती है श्री सेवायाम धातु से अद्यतनी की विवक्षा में। ये उभयपदी धातु है और उभयपदी धातु होने पर दी प्रत्यय लेकर आते हैं। दी प्रत्यय लेकर आने पर दी में से इकार का अनुबंध लोप हो जाता है और इकार का अनुबंध लोप हो जाने पर दा मात्र शेष रहता है। तो श्री धन दा सर्वप्रथम हमें सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति है, परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आता है श्री द्रु सु कमी कारी तान ते भ्यस चण कर्तरी। जो सूत्र इस काली स्क्रीन के पीछे दबा हुआ है जो हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वह सूत्र है श्री द्रु श्रु कमी कारी तांते भ्यस चण कर्तरी। कर्तरी का मतलब है कर्तरीवाच में, तीन वाच होते हैं भाववाच कर्मवाच और कर्तरीवाच। तो यहां पर श्री द्रु श्रु और कमी और कारितांत कारित संज्ञक धातुओं से कर्तरीवाच की विवक्षा में अद्यतनी के होने पर यहां पर चण विकरण करना है और चण विकरण में से केवल
आ बचेगा, ना और चाका अनुबंध लोप हो जाएगा। ना और चाका अनुबंध लोप हो जाने पर श्री धन आधन दा, यह स्थिति हमारी है। अब अगला सूत्र नीचे हमारा बैठा हुआ है, चरण परोक्षा चैक्रियत सनंतेषु, चरण परोक्षा चैक्रियत सनंतेषु सनंतेषु। इस सूत्र के माध्यम से इसकी तीन शर्तें हैं, चरण होने पर, परोक्षा होने पर, चक्रियत प्रकरण के होने पर, और सन अंतेषु सन विकरण के होने पर, माने कि सन प्रत्यय होता है ऐसे प्रकरण के होने पर। तो यहां पर चरण मिला है, एक पहली शर्त मिल जाती है चरण। तो चरण के होने पर श्री धातु को दुत्त किया जाता है, दुत्त होने पर श्री श्री आ और दा, ये हमारी स्थिति है। अब जो श्री है उस श्री में तालब्य सा और रा, ये दो व्यंजन हैं। अब दो व्यंजन जब रहते हैं तो यहां पर जब धातु के लिए दुत्त होता है तो दुत्त होने पर एक सूत्र हमारे बीच में आता है पूर्वोभ्यासा। उस पूर्वोभ्यासा सूत्र के माध्यम से जो श्री श्री को दुत्त किया है तो उसमें जो पहले नंबर का है उस पहले नंबर को का नाम किया जाता है अभ्यास पूर्वोभ्यासा, और जो दूसरे नंबर की श्री है उसके लिए द्वैमभ्यस्तम, उस सूत्र के माध्यम से अभ्यस्त संज्ञा की जाती है। अब जब अभ्यास और अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है तो एक सूत्र हमारे बीच में आया था अभ्यासस्यादि व्यंजन मवशेष्यम, अर्थात अभ्यास के आदि में रहने वाला पहला व्यंजन शेष रहता है और बाकी व्यंजनों का लोप हो जाता है। अब ये ध्यान रखना है यहां पर, आदि व्यंजन शेष रहने का मतलब ये मत समझना कि केवल अकेला व्यंजन ही शेष रहेगा और बाकी के सब का लोप होगा, स्वर का लोप नहीं होगा, केवल व्यंजन का ही लोप होगा लेकिन प्रथम व्यंजन शेष रहेगा और दूसरे आदि व्यंजन का लोप हो जाएगा। तो दूसरा व्यंजन है रा, प्रथम व्यंजन है तालब्य सा, तो तालब्य सा शेष रहेगा और जो दूसरा व्यंजन रा है उसका लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाने पर स्थिति है सी श्री आ और ता, यहां पर जो अभ्यस्त संज्ञक है यानी कि दूसरे नंबर का जो श्री है उस श्री के लिए नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणः सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु ना नकारानुबंध चैक्रियतयो हो। इस सूत्र के माध्यम से ना का अनुबंध हुआ है तो नाके अनुबंध होने पर स्वराधा विवर्णो वर्णांतस धातो रिवौ, सूत्र के माध्यम से जो श्री में रहने वाली ई है उसको ई आदेश हो जाएगा और ई आदेश हो जाने पर धातु के आदि में अण धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तन्नी क्रियाति पत्तिसु, सूत्र के माध्यम से अटका आगम हो जाएगा और पदांते धुताम प्रथमः, सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर तादेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है अशिश्रियत।
अब आपका यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता था कि जो श्री धातु है उस श्री धातु से दी प्रत्यय लेकर आए हैं तो अट धातुआदर ह्यस्तन्य देतन्य क्रियाति पत्ति सु, इससे अट का आगम तो आपने कर दिया है पर इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे, इस सूत्र के माध्यम से इट का आगम क्यों नहीं किया? इट का आगम करते थे और वर्णांत धातु है तो निषेध कर देते। तो थोड़ा सा विचार यह है इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजन आदि रहकारादि सूत्र कहता है सामने व्यंजन होने पर आगम है। अब सामने जो इटका सामने जो व्यंजन होता था तो अभी तक हम सिच करते थे, सिच सिच में से सकार शेष रहता था इसलिए उसको व्यंजन यह शर्त मिल जाती थी। यहाँ पर हमने चण किया है और चण में से आ शेष रहा इसलिए इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजन आदे रकारादे सूत्र की शर्त यहाँ पर घटित नहीं हो रही है, यानी कि सामने व्यंजन नहीं होने के कारण यहाँ पर इट के आगम की प्राप्ति और उसका निषेध नहीं किया गया है। तो यहां सबसे पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है अशिष्यत। अब आगे की प्रक्रिया को सिद्ध करते हुए हमें रेडीमेड माल अशिष्य इसको अपने हाथ में रखना है। अशिष्य बनाने में जो जो सूत्र आपने उपयोग में लिए हैं उन सूत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं, सिद्ध तन्याम सूत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री ध्रुव श्रु कमी कारी तांते भ्यस चण कर्तरी, इस सूत्र से चण करना है, नाका और चाका अनुबंध लोप करना है। चण परोक्षा चक्रियित सनंतेसु, सूत्र के माध्यम से द्युत करना है, पूर्वोभ्यास द्वयम् अभ्यस्तम अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम नाम्यन्त्योर् धातु विकरणयोर् गुणः णनकारानुबन्ध चक्रियतयोः स्वरादा विवरणो वर्णान्तस्य धातोरियुवौ। सूत्र के माध्यम से ये आदेश होकर अड धात्वादिर ह्यस्तन्य देतनि क्रियाति पत्तिषु, सूत्र के माध्यम से धातु के आदि में अट का आगम करने पर अशिष्य ये शब्द हमारे बीच में है और ताम विभक्ति के आने पर अशिष्य ताम, अनविभक्ति के आने पर अशिष्य धन अन, असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य, सूत्र के माध्यम से जो पूर्ववर्ती आकार है यानी कि जो चण वाला आ है उसका लोप होकर अशिष्यन प्रयोग सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में शी विभक्ति आएगी, ई का अनुबंध लोप हो जाएगा और रस अकारी और विसृष्टा, सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर अशिष्य प्रयोग सिद्ध होता है। तम आदि विभक्तियों के आने पर अशिष्य तम अशिष्यत और अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य, सूत्र के माध्यम से आकार का लोप तो अशिष्यम और वा और मा विभक्ति के आने पर अस्य बमोर दीर्घा,
सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर असिश्रियाव असिश्रियाम यह प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इस धातु का उपयोग यदि हमें आत्मने पद में करना है, क्योंकि धातु उभयपदी है और उभयपदी धातु होने पर असिश्रिय इतना तो हमको बना ही लेना है, और इतना बनाने के बाद फिर ताप प्रत्यय लेकर आए, ताप पहले ही लेके आना है, प्रत्यय तो सभी पहले ही लेके आना है, और ताप प्रत्यय के आने पर बनेगा तो ये ता रहेगा पूरा, और ताप पूरा रहने पर असिश्रियत, और उसके बाद में फिर आताम प्रत्यय आएगा तो आदाता माता मादेरी। इस सूत्र के माध्यम से आताम के आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अवर्ण इवर्ण ए लगेगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा असिश्रियंत। फिर मध्यम पुरुष के एक वचन में असिश्रिय था प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। द्विवचन में आथाम प्रत्यय के आने पर असिश्रिय थाम प्रयोग सिद्ध होता है। फिर उसके बाद में ध्वम प्रत्यय के आने पर असिश्रिय ध्वम प्रयोग हमारा सिद्ध होता है। उसके बाद में ई विभक्ति के आने पर असिश्रिय धन ई आवर्ण एवर्ण ए सूत्र के माध्यम से असिश्रिय और अस्य बमूर दीर्घ असिश्रिया वही और असिश्रिया मही ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। इसी श्री धातु की तरह द्रुगतौ और शुरुगतौ धातु की प्रक्रिया जानना चाहिए। अंतर्मात इतना है कि श्री में इकार था, यहां पर ओकार है, और ई के स्थान पर ये आदेश किया था तो यहाँ ऊ के स्थान पर ओ आदेश होगा। इतना ही सब सामान है। तो स्वरादा विवर्णो वर्णांतस्य धातुरी उवौ सूत्र के माध्यम से द्रु धातु में और शुरु धातु में ओ आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है अदुद्रुवत अदुद्रुवत ध्रुवताम अदुद्रुवन अदुद्रुवः अदुद्रुवतम अदुद्रुवत अदुद्रुवम अदुद्रुवाव और अदुद्रुवाम ऐसे ही सु धातु चलेगी शुरु। यहां पर भी अभ्यास आदि व्यंजन अवशेष्यम से अभ्यास में दा शेष रहेगा, राग का अनुबंध लोप हो जाएगा। शुरू धातु में भी सा शेष रहेगा, राग का अनुबंध लोप हो जाएगा। अब अगली धातु हमारे बीच में आएगी कम। उस कम धातु की प्रक्रिया को थोड़ा सा विशेष कार्य हमारे बीच में होगा, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथा योग, अभिवादन।